सो वेल फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटर में एडमिशन होने के बाद में जो क्लास ट्वेल्थ होती है, क्लास ट्वेल्थ में आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ कॉमर्स वाले के लिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को क्लास ट्वेल्थ में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है और सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, और साथ ही जो एग्जामिनेशन होती है वो कितने नंबर का होती है, और उस एग्जाम में फर्स्ट करने के लिए, सेकंड करने के लिए, थर्ड करने के लिए आपको कितना कितना नंबर चाहिए, पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको स्क्रीन पर यहाँ पे ऑन स्क्रीन से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं 1 2 3 4 5 पांच को हम लिख चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो पांच होते हैं। तो जो सबसे मेन अहम होता है, जो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है, ऑलमोस्ट सभी को तो सब पढ़ना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि इन फ्यूचर्स आगे भी जाकर के अभी कोई आगे कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएमएस कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, या फिर एमबीए कर रहे हैं, उसमें आपको अकाउंट की पढ़ाई होती है। किसके अकाउंट की पढ़ाई होती है, तो सबसे ज्यादा मेन जो फोकस आपको करनी पड़ेगी वह किस पर करनी पड़ेगी, अकाउंट्स पे, यानी कि इसको अकाउंटेंसी इस के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको क्लास ट्वेल्थ में जो सबसे फर्स्ट में आपको जो अहम मेन प्रायोरिटी होती है वो किसका होता है, अकाउंटेंसी की होती है, और अकाउंटेंसी की जो एग्जामिनेशन होती है वो 100 नंबर की होती है। कितने की? 100 नंबर की होती है, 100 की एग्जामिनेशन होती है अकाउंटेंसी में, ठीक है। इसके बाद जो आती है वह बी एस टी बिजनेस स्टडी। इसका फुल नेम क्या है? बिजनेस स्टडी। बी एस टी को फुल नेम क्या है? बिजनेस स्टडी। इसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं BST, बिजनेस स्टडी। लिखने में भी बहुत बड़ा हो जाता है और बोलने में भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो यह भी होता है, यह भी 100 नंबर का ही एग्जामिनेशन होता है। इसका भी कितना का होता है? 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है? इसका भी 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पे आता है वह क्या होता है, ईपीएस, इंटरप्रेनरशिप। इसे क्या बोलते हैं? इंटरप्रेनरशिप। इसे शॉर्ट में EPS के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। या कोई स्टूडेंट्स इसको 100 नंबर का लेता है, यहाँ पे देखिएगा यह कितने नंबर का, 100 नंबर का होता है, लेकिन EPS सभी स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं। इसके जगह पर एक अल्टरनेटिव सब्जेक्ट होता है, वह होता है इकोनॉमिक्स। क्या होता है? इकोनॉमिक्स। इसको शॉर्ट में हम लोग इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में इको बोलते हैं। इसके जगह पे अल्टरनेटिव में 100 नंबर के कोई लेते हैं, कोई स्टूडेंट्स EPS नहीं लिया तो यह ले लिया, EPS नहीं लिया तो कौन सा सब्जेक्ट ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, इकोनॉमिक्स लिया तो EPS नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना, EPS एंड इकोनॉमिक्स दोनों एक आदमी नहीं ले सकता, ठीक है, एक ही कोई लेगा, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं वह हिंदी होती है, हिंदी भी 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का होता है। और इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है। तो हो गए कितने? 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट जो हो गए, तो पांचों सब्जेक्ट कितने का? पांचों सब्जेक्ट यानी कि 500 का होगा। कितने का होगा? 500 का होगा, 500 का एग्जामिनेशन होगा। और 500 यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, 500 का यहाँ पे आपका टोटल एग्जामिनेशन होगा। कितना होगा टोटल एग्जामिनेशन? आपको 500 का होगा। और 500 में कितने? 500 में अगर आप 60% 500 में, इसे मैं मिटा देता हूँ, मिटा साइड में लिख देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, 500 में आपको अगर 60% आ गया, 500 में से 60% आ गया, तो आप फर्स्ट कर जाइएगा। क्या कर जाइएगा? फर्स्ट कर जाइएगा। 500 में से 60% यानी कि करीब 300, 500 का 60% निकालिएगा तो 300 होगा। अगर आप 500 में से 60% आ गया यानी कि 30% 300 नंबर आपका आ गया, तो आप फर्स्ट कर जाइएगा। क्या कर जाइएगा? फर्स्ट कर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका 45% कितने परसेंट? 45% यानी कि करीब 250 25, और यहाँ पे हो जाता है, हम निकाली कैलकुलेटिंग कर लेते हैं, एक मिनट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 225 या 50 के आसपास में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितने भी आपका मान लीजिए 500 सब्जेक्ट का है, तो 500 गुणे कितने परसेंट निकालना है हमको? निकालना है 45%, तो 45 और उसके बाद में भागा दे देंगे 100 से, तो यहाँ पे 225 होगा। कितना होगा? 225, ठीक है। कम से कम 225 आपके आपका नंबर आ गया, और 300 से कम,
कि ना 225 से ज्यादा और 300 से कम आया तो आप सेकंड कर जाइएगा। और वही आपका यहाँ पे बात कर रहे कि अगर आपके पास 30% कितने परसेंट 30% यानी कि 150 से ज्यादा और 225 से कम 150 से ज्यादा और 225 से कम आया तो आप थर्ड कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा थर्ड कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट करने के लिए कितना, सेकंड करने के लिए कितना, और क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। और ये जितने भी सब्जेक्ट है जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बीएसटी का हो गया, ईपीएस का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, और साथ ही इकोनॉमिक्स का हो गया। जब हम पढ़ाई किए हुए थे तो वहां पे हम इकोनॉमिक्स को हम नहीं लिए थे, हम ईपीएस से पढ़ाई किए हुए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स को हम इको को छोड़ देते हैं, तो ये बाकी सारे सब्जेक्ट होता है सारे के सारा हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन आपको एजुकेट करेंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो हम पढ़े वही हम आपके साथ शेयर करें, ठीक है। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इंस्टाग्राम ट्विटर फॉलो कर लीजिए, उसका नेम है IAM Amlesh। और बाकी बात आपको पढ़ रहा है तो यहाँ पे इस चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब कर करके इससे आप अल्टरनेटिव रोज वीडियोस देखा कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी हम वीडियोस शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।